हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आपके दोस्तों ने सुनील एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को तुरंत ही लाइक कर लीजिएगा। हर रोज एक मोबाइल अलग अलग कंपनी का लॉन्च होता ही जा रहा है और हर रोज मैं भी दुखी हो गया हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, वीडियो क्रिएट करके। क्योंकि इस मोबाइल पर अगर वीडियो क्रिएट करता हूँ तो ये वाला मोबाइल रह जाता है जो कल लॉन्च होने वाला था, इस पे करता हूँ तो ये वाला रह जाता है, ठीक है। हालांकि मैं वीडियो भी अपलोड एक ही कर पाता हूँ या दो, इससे ज्यादा मैं भी वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ गाइस। तो गाइस, मेरे चैनल पे मिलती है आपको अपकमिंग मोबाइल से रिलेटेड सारी सारी इन्फॉर्मेशन, कौन सा मोबाइल कब लॉन्च हो रहा है, किस प्राइस के साथ, कितने कैमरे के साथ और किस बैटरी के साथ ये लॉन्च हो रहा है, किस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो रहा है। क्योंकि जब भी हम मोबाइल लेने जाते हैं ऑलमोस्ट हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती मोबाइल की, बस लेके आ जाते हैं। किसी ने बोला, फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, भाई ये मोबाइल आया है हमने अगर खरीदना है तो हम उसे बस उसके कहने पर ले आते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है मोबाइल में, फिर वो जाता है सर्विस सेंटर, फिर वहां देने पड़ते हैं पैसे। तो सेम यही प्रॉब्लम सबके साथ होती है जो बिना सोचे समझे मोबाइल लेके आते हैं। तो गाइस, जब कभी भी मोबाइल लेने जाओ तो हमेशा उस मोबाइल का लॉन्च नहीं हुआ है तो प्री रिव्यू देखो, लॉन्च हो चुका है तो रिव्यू देखो। आज मोबाइल लेके आए हम स्पेशली आपके लिए ओप्पो की कंपनी का। ओप्पो हर मंथ अपनी एक सीरीज लॉन्च करता है, इवन दो दो सीरीज तक ओप्पो लॉन्च करने में लगा हुआ है। तो आज जो सीरीज है जो स्पेशली लॉन्च होने वाली है नेक्स्ट मंथ में, वो है ओप्पो की A76 5G मोबाइल। सारे ही मोबाइल 5G हैं, 5G लॉन्च नहीं हुआ है, ये भी रिपीट कर देता हूँ, सपोर्ट करेगा 5G को, ठीक है। तो गाइज, ये मोबाइल कितने का है, क्या प्राइस है, कितने कैमरे मिलेंगे, किस बैटरी के साथ ये लॉन्च होने वाला है, किस प्रोसेसर के साथ लॉन्च होने वाला है, तो ये आज मैं वही इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो गाइज, वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इस मोबाइल में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको कैमरे काफी अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। प्राइस भी इसका अफोर्डेबल प्राइस है, प्राइस को लेके भी यहाँ पे कोई चिकचिकबाजी नहीं है। गाइस गाइस, चलिए बात करते हैं। ये जो मोबाइल है एंड्रॉइड V12 के साथ लॉन्च होने वाला है, लेकिन कुछ वेबसाइटों पर इसे एंड्रॉइड V11 के साथ भी अपडेट कर रखा है। लेकिन जब भी ये लॉन्च होगा उससे मैं दो दिन पहले आपके लिए स्पेशली वीडियो क्रिएट करके आपको बता दूंगा कि किस V11 के साथ लॉन्च हो रहा है या ये V12 के साथ लॉन्च हो रहा है। बात करेंगे इसके प्रोसेसर की, मोबाइल के अंदर प्रोसेसर बहुत मेन रोल प्ले करता है। तो गाइस, ये स्नैपड्रैगन का 720G के साथ ये लॉन्च होने वाला है, 6GB रैम के साथ ये आपको इजीली मिलने वाला है। बात करेंगे मोबाइल की स्क्रीन की, तो गाइस यहाँ पे 17.27 सेंटीमीटर की यहाँ पे आपको मोबाइल की स्क्रीन मिलने वाली है, जो कि पूरी की पूरी कम्फर्ट है। सुपर एमोलेड पैनल के साथ आपको मिलेगा, 3G 4G 5G को पूरा का पूरा सपोर्ट करने वाला है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। गोरिल्ला ग्लास से प्रोटेक्ट होगी इसके मोबाइल की स्क्रीन मिलेगी, यानी पानी, डस्ट और स्क्रैचेस से भी आपको मोबाइल की टेंशन खत्म हो चुकी है यहाँ पे गाइज। तो मोबाइल ओवरऑल काफी बढ़िया है। बात करेंगे इसके रियर कैमरे की, तो गाइज यहाँ पे रियर कैमरे आपको इस मोबाइल के अंदर 3 कैमरे मिलने वाले हैं। 48MP का मिलेगा आपको वाइड एंगल प्राइमरी एंगल कैमरा, जो कि मैन कैमरा होता है। सेकेंड कैमरा आपको 8MP का मिलेगा, जो कि आपका माइक्रो कैमरा होता है। एंड सेकेंड आपका 2MP का कैमरा, थर्ड आपका 2MP का कैमरा मिलने वाला है, जो कि आपका डेप्थ में जाके आपकी फोटो को क्लिक करता है। फुल HD मोबाइल होगा, LED फ्लैश होगा, 30 FPS पे आप वीडियो को रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बात करेंगे फ्रंट कैमरे की, यहाँ पे फ्रंट का कैमरा कुछ इस तरीके से मिलेगा गाइस। इसका 16MP का फ्रंट का कैमरा होगा, जो कि सेम वही प्रोसेस फॉलो करेगा, 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, फुल LED फ्लैश होगा जो फ्रंट है ना इसका, यही प्रोटेक्ट होगा पूरा का पूरा, आपको 3 लेयर ग्लास के साथ आपका प्रोटेक्ट होने वाला है। बैटरी की बात कर लेते हैं उस मोबाइल के अंदर, तो बैटरी आपको 5000mAh की यहाँ पे बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगा USB पोर्टल पे। तो गाइज यहाँ पे मोबाइल में ओवरऑल अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, इवन 35 से 40 मिनट में इसकी बैटरी भी फुल चार्ज हो जाएगी, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल के अंदर आप इंटरनेट एक्सेस करेंगे तो भी 12-14 घंटे ईजिली चलती है 5000mAh की बैटरी। अगर आप इसमें मोबाइल में सिर्फ पिक एंड ड्रॉप के लिए यूज करेंगे, फोन के लिए कि कोई कॉल आई तो उठा ली, वरना फोन को जरूरत पड़ने पे ही यूज करा, तो गाइज ऑलमोस्ट ये 72 आवर्स तक इजिली बैटरी इसके अंदर चलती है। ओप्पो के अंदर ये खासियत है। बात कर लेते हैं इसकी जनरल इंफॉर्मेशन में, तो 128GB इसकी इंटरनल स्टोरेज होगी। अगर आप मेमोरी कार्ड यूज करना चाहें तो 256GB तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। मोबाइल कब लॉन्च होगा, 24 मार्च इसकी एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही है इसकी, लेकिन ये 24 नहीं 26 27 मार्च तक ही आपको मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे जाएगा। जब भी लॉन्च होगा वीडियो क्रिएट कर दूंगा। प्राइस क्या है इसका, एक्सपेक्टेड प्राइस जो बताया जा रहा है मोबाइल का अभी 14,990 रुपये के अराउंड इसका प्राइस बताया जा रहा है, वो अभी देखते हैं क्या प्राइस इसका जाएगा। लेकिन अगर ये 14,000 अगर ये V12 के साथ अगर लॉन्च होता है तो गाइस ये अंडर 20 रहेगा, मतलब 20,000 के अंदर अंदर मिलेगा, क्योंकि एंड्रॉइड V12 थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है।
एंड्रॉयड अगर V11 के साथ ये लॉन्च होता है तो आपको इस अमाउंट पे ही ये मिल जाने वाला है मोबाइल। तो गाइज ओवरऑल मोबाइल ठीक ठाक है, मेरे को मोबाइल को लेकर कोई इशू नहीं है। बाकी तो टाइम बताएगा कब ये लॉन्च होगा एंड किस फंक्शन के साथ लॉन्च होगा। हालांकि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ 95% इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट ही निकलती है। तो गाइज कैसे लगी आपको वीडियो, कैसा लगा मोबाइल स्पेशली आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और एक चीज़ और, कल मैंने दो वीडियो अपलोड करी थी मोबाइल की, जो ऑफर्स के साथ आ रहा है ठीक है, मोबाइल वीवो का TI मोबाइल आ रहा है, T1 सॉरी मोबाइल है, 5G मोबाइल है, लॉन्च होने वाला है 14 फेब को यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन। अगर आप उसे बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है ऑलरेडी उस वीडियो की। हालांकि इसको आप बाय करना चाहेंगे तो इसका भी जो लिंक है ओवरऑल मेरे मोबाइल सारी की सारी वेबसाइट का अमेजोन का सॉरी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से जाके भी बाय कर सकते हैं। वो आपकी फैसिलिटी के लिए मैंने डाल रखे हैं कि आप डायरेक्ट वहां पे अमेजोन पे राउट हो जाए। गाइस कोई भी आपका कमेंट है सजेशन है प्लीज आप मेरे को बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस वीडियो को थोड़ा सी लाइक एंड ऑल पे जाके देखो क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, देखते हैं कौन सा मोबाइल कब लॉन्च होने वाला है। ओके बाय एंड टेक केयर।